पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि राजीव पिछले एक साल से शहर से दूर अपने घर में नजरबंद था। श्वेता को किडनैप करने की कोशिश के बाद से उसके घर वालों ने उसे लो प्रोफाइल रहने को कहा था। वो उस वक्त अपने कमरे में बैठा हुआ श्वेता की पेंटिंग कर रहा था, जब उसके घर का नौकर उसे बुलाने के लिए आया। उस बात पर राजीव ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे किसी से नहीं मिलना, यहाँ से निकल जाओ। ये बोलते हुए उसने अपने सामने पड़ा हुआ पेंट का डब्बा जमीन पर फेंक दिया। उसके डर से घर का नौकर उसके दरवाजे से ही भाग खड़ा हुआ और उसने गायत्री को सारी बातें बता दी। थोड़ी देर बाद गायत्री उसके कमरे में आई। राजीव, ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है और तुम कब तक ऐसे ही रहने वाले हो? श्वेता अपनी जिंदगी में इतनी आगे बढ़ गई है, अब तुम भी आगे बढ़ जाओ। उसको अगर तुम्हारे पास लौट कर वापस आना होता तो वो कब का वापस आ चुकी होती। मॉम, मुझे आपका लेक्चर नहीं चाहिए, आप प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तुम्हें पिछले एक साल से मैंने तुम्हारे हाल पर ही छोड़ा हुआ है। तुम्हें आइडिया भी है कि हमारी कंपनी एक साल से कितने घाटे पर चल रही है? मलिक परिवार ने हमारी कंपनी से अपना सारा इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया है। उसके अलावा वो अपने पार्टनर्स को भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, और ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। ना ही तुम श्वेता को लेकर पागल हुए होते और ना ही हमें ये दिन देखना पड़ता। राजीव को गायत्री की बातों का कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उस वक्त अपनी अगली सिगरेट सुलगाने के लिए लाइटर ढूंढ रहा था। उसकी उस हरकत पर गायत्री का पारा बढ़ गया और उसने तुरंत राजीव के हाथ से उसकी सिगरेट छीनते हुए कहा, राजीव, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे पापा को तुमसे बात करने के लिए भेजूं। अपने पापा का जिक्र होते ही राजीव थोड़ा होश में आया। राजीव अपने पापा से बहुत डरता था और उनसे मिलना अवॉइड ही करता था। वो बचपन से ही राजीव को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे और उसके साथ बहुत मार पिटाई भी करते थे। आगे चलकर उसके मम्मी पापा एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन उन दोनों ने समाज की वजह से अभी तक तलाक नहीं लिया था। क्या चाहती हैं आप? नीचे मिस्टर कपूर की बेटी शालिनी कपूर तुमसे मिलने आई है। मैं चाहती हूँ तुम उससे अच्छे से बात करो। अगर तुम दोनों का रिश्ता तय हो गया तो मिस्टर कपूर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। गायत्री की बात पर राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ये साफ दिखा रही थी कि उसके पास गायत्री की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फिर गायत्री ने उसके कमरे से जाने से पहले कहा, और हाँ, अपनी दाढ़ी ट्रिम करके आना। थोड़ी देर बाद राजीव अपना हुलिया ठीक करके अपने कमरे से नीचे आया, जहाँ शालिनी कपूर उसकी मम्मी गायत्री के साथ बैठकर बातें कर रही थी। शालिनी दिखने में काफ़ी मॉडर्न और कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसके कंधे तक छोटे बाल थे और नीले रंग की आंखें थीं। उसके अलावा उसके कंधे और हाथ पर काफ़ी टैटू थे। गायत्री के हिसाब से वो कन्वेंशनल लड़की नहीं थी। गायत्री अपने बेटे के लिए जैस्मिन जैसी लड़की चाहती थी, लेकिन जब से जैस्मिन पागलखाने गई थी और उसका परिवार फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया था, तब से गायत्री ने उसे राजीव की ज़िंदगी से हटाने का सोच लिया था। गायत्री को शालिनी का रहन सहन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास शालिनी को अपने घर की बहू बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और शालिनी की झूठी तारीफ करते हुए कहा, ये तुम्हारे कंधे का टैटू काफ़ी अच्छा लग रहा है। शालिनी गायत्री के मुंह से अपने टैटू की तारीफ सुनकर काफ़ी खुश हो गई और उसने एक्साइटेड होकर जवाब में कहा, थैंक्स आंटी, ये मैंने लास्ट ईयर ही बनवाया है, इसके अलावा मैंने रिसेंट ये टैटू बनवाया है। ये बोलते हुए शालिनी ने गायत्री को अपनी कलाई में बना हुआ इन्फिनिटी वाला टैटू दिखाया। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तुम्हें टैटू का काफ़ी शौक है? जी, नेक्स्ट टैटू मैं अपने पैर पर बनवाने वाली हूँ। तभी गायत्री हंसने लगी और फिर उसने हल्का सा तंज कसते हुए शालिनी से कहा, तुम्हारा बस चले तो तुम पूरे शरीर पर टैटू बनवा लो। तभी राजीव वहाँ पर आ गया। राजीव को देखते ही शालिनी अपनी जगह से खड़ी हो गई। राजीव ने शालिनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो शालिनी ने राजीव को गले लगाते हुए कहा, फाइनली हमारी मुलाकात हो ही गई। शायद तुम भूल गए होगे, हम लोग 4 साल पहले लंदन में एक कॉलेज फेस्ट में मिले थे, जहाँ तुम अपनी एक फॉरेनर गर्लफ्रेंड के साथ आए थे और मैं अपने फॉरेनर बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। एंड देन वी जस्ट क्लिक्ड, वी टॉक्ड फॉर आवर्स, बट फिर हमें अपने पार्टनर्स के साथ नेक्स्ट इवेंट के लिए निकलना पड़ा, रिमेम्बर? शालिनी की बात सुनकर राजीव ने 4 साल पहले की वो घटना याद करने की कोशिश की। फिर अचानक से उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने शालिनी से कहा, ओ राइट, याद आ गया, यू आर दैट शालिनी, नाइस टू सी यू अगेन।
गायत्री को शालिनी का इतना फ्रैंक नेचर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वहीं राजीव उसको लेकर काफ़ी न्यूट्रल था। उसी वक्त शालिनी ने हंसते हुए राजीव से कहा, किसने सोचा था कि 4 साल बाद हम लोग अरेंज मैरिज के सेटअप में मिलेंगे। राजीव ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस एक नकली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर ले आया। उधर गायत्री अपने मन में सोचने लगी, ये लड़की तो बहुत तेज है, एकदम कैची की तरह बोली जा रही है। शादी के बाद ये तो मेरे राजीव को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेगी। मैं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ, पर मेरे पास अभी कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बाद का बाद में देखेंगे। फिर गायत्री ने राजीव और शालिनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों आराम से बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने का लाती हूँ। नहीं आंटी, आप परेशान ना हो, मैं सोच रही थी कि मैं और राजीव कहीं बाहर चलते हैं, हम लोग आराम से बात भी कर लेंगे और डिनर भी। चले राजीव। राजीव ने शालिनी की हाँ में हाँ मिलाई और उसके साथ चली गई। वहीं गायत्री उनको जाता हुआ देखती रह गई। थोड़ी देर बाद उसके मुंह से निकला, ये तो श्वेता से भी 4 कदम तेज है, मुझे सतर्क रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ उस वक्त श्वेता शिमला निकलने के लिए अपना और किटू का सामान पैक कर रही थी। तभी विक्रांत उसके कमरे में आया और उसने श्वेता से कहा, तुमने सर्दियों के कपड़े रख लिए ना? श्वेता ने विक्रांत की तरफ देखे बिना हाँ में अपना सिर हिला दिया और वापस से अपने काम में लग गई। दिन में अक्सर विक्रांत किट्टू से मिलने के बहाने उसके कमरे में आ जाता था। किट्टू को भी विक्रांत का आना बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन किट्टू विक्रांत से नहीं मिलता था, उस दिन वो कहीं ना कहीं उसको ढूंढता रहता था। उस वक्त भी विक्रांत को वहाँ देखते ही किट्टू ने एक्साइटेड होकर अपने बिस्तर से अपने हाथ को विक्रांत की तरफ बढ़ाया। विक्रांत ने भी किट्टू को प्यार से अपनी गोदी में उठा लिया, लेकिन अचानक से किट्टू जोर जोर से रोने लगा। उसको रोता देख श्वेता भागती हुई उसके पास आई। श्वेता किट्टू से काफ़ी अटैच थी, उसको ज़रा भी खरोंच भी लगती थी तो श्वेता परेशान हो जाती थी। तभी विक्रांत ने किट्टू को चेक करते हुए कहा, घबराओ मत, इसका डायपर काफ़ी गीला हो गया है, वो बदलना पड़ेगा। फिर विक्रांत किट्टू का डायपर बदलने लगा। ये देखकर श्वेता ने हैरानी से उससे कहा, तुमने डायपर बदलना कब सीखा? मैंने इसकी ट्यूटोरियल वीडियो देखी थी। श्वेता को विक्रांत से ऐसे अटपटे जवाब की ही उम्मीद थी। श्वेता के हिसाब से वो बीच बीच में ऐसे कई जवाब देता था जिनमें कितना सच होता था ये बात वो ही जानता था, लेकिन श्वेता को विक्रांत का किट्टू को लेकर इतना केयर करना अच्छा लगता था। थोड़ी देर बाद श्वेता ने किट्टू को अपनी गोद में लेना चाहा, लेकिन किट्टू उसकी गोद छोड़कर विक्रांत के पास जाने की जिद करने लगा। तभी विक्रांत ने श्वेता से मजाक करते हुए कहा, देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारे बिना रह सकता है, लेकिन मेरे बिना नहीं। ये सुनकर श्वेता ने गुस्से से मुंह बना लिया और उससे किट्टू को अपनी गोद में लेने लगी, लेकिन ऐसा करने पर किट्टू रोने लगा। तभी श्वेता और विक्रांत दोनों ही किट्टू को साथ में शांत करने के लिए, उसके माथे पर किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़े, लेकिन गलती से श्वेता ने विक्रांत के गाल पर किस कर दी और विक्रांत ने श्वेता के माथे पर, जिस वजह से उन दोनों के बीच में थोड़ी देर तक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। श्वेता की उस हरकत से विक्रांत धीमे से मुस्कुराने लगा, वहीं श्वेता शर्म के मारे काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो गई। फिर दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला और पैकिंग में बिजी होने का नाटक करने लगे। उधर जानवी ने श्वेता और विक्रांत को बीच में सामान पैक करते हुए देख लिया था, इसलिए वो उस बारे में बात करने के लिए उस वक्त रीना के कमरे में गई और उसने रीना से कहा, मॉम ये श्वेता कहाँ जा रही है? रीना उस वक्त आराम से अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाकर मसाज चेयर पर लेटी हुई थी। उसने बहुत ही रिलैक्सिंग आवाज में कहा, शिमला, विक्रांत, श्वेता, श्वेता की नई दोस्त निधि और उसका पति रौनक, ये चारों कल शाम को शिमला निकल रहे हैं। ये सुनकर जानवी सोच में पड़ गई, लेकिन क्यों? विक्रांत और रौनक किसी बिजनेस के काम से वहाँ जा रहे हैं, तो विक्रांत ने डैड से श्वेता को साथ ले जाने की परमिशन ले ली। ये सब छोड़ो जानवी, तुम इस चेयर में लेट कर देखो, तुम्हारे शरीर के सारे पुर्जे खुल जाएंगे। ये सुनकर जानवी ने रीना पर सार्केस्टिक कमेंट करते हुए कहा, मॉम आप यहाँ रिलैक्स कर लो और वो श्वेता वहाँ मजे करने शिमला जा रही है। उस पर रीना ने मुस्कुराते हुए जानवी की बात का जवाब दिया, अच्छा ही है ना, दोनों वहाँ रोमांटिक मूड में होंगे और हम लोग उस मौके का फ़ायदा उठाकर उनकी तस्वीरें निकाल पाएंगे। रीना की बात सुनकर जानवी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। अच्छा, तभी आप इतना रिलैक्स्ड हो, सुनो मैं भी शिमला जा रही हूँ। ये सुनकर रीना ने अपने चेहरे का मास्क निकालते हुए कहा, तुम पागल हो क्या? अभी कुछ दिन पहले तुमने जो विक्रांत और श्वेता के साथ किया है वो लोग तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे। यू जस्ट वेट एंड वॉच, कॉलेज में मैंने कई ड्रामा क्लासेस ली हैं। फिर जानवी तुरंत किचन में गई और उसने घर की मेड से राजनाथ मलिक का फेवरेट गाजर का हलवा बनवा लिया और उसको लेकर सीधा उनके कमरे में गई।
कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसीलिए वो ऑफिस नहीं जा रहे थे और घर बैठकर ही ज़रूरी काम करते थे। वो उस वक्त अपने कमरे में बैठे हुए अपनी किताब पढ़ रहे थे, तभी जानवी ने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, नानू, मैं जानवी, मैं आपका फेवरेट गाजर का हलवा बना के लाई हूँ। राजनाथ मलिक ज़्यादा दिनों तक अपने घर के किसी इंसान से गुस्सा नहीं रह पाते थे, ये बात उनके घर के हर सदस्य को पता थी। वो बाहर से खुद को जितना सख्त दिखाते थे, अंदर से वो उतने ही नर्म थे। राजनाथ मलिक ने हल्की तेज आवाज़ में कहा, तुमने बनाया है या मेड से बनवाया है? जानवी जानती थी कि राजनाथ मलिक को पता था कि उसे पानी उबालने के अलावा और कुछ नहीं आता था, इसीलिए उसने उनसे सच बोलते हुए कहा, बनवाया है। नाना जी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं, बट आई एम रियली सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। राजनाथ मलिक बहुत जल्दी ही जानवी की बात से पिघल गए। उनके हिसाब से जानवी ज़िद्दी थी, बदतमीज़ थी, लेकिन दिल की बुरी नहीं थी। फिर राजनाथ मलिक ने थोड़ा भावुक होकर जानवी से कहा, मुझसे माफ़ी मत मांगो, श्वेता और विक्रांत के साथ अच्छे से रहो, मुझे तो आने वाले सालों में कभी भी इस दुनिया से चले जाना है, उसके बाद तुम सबको भी एक दूसरे का ख्याल रखना है। जानवी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सीधे मुद्दे की बात पर आ गई, मैं अपनी गलती मान रही हूँ, इसीलिए मैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भाभी और भाई के साथ शिमला जाना चाहती हूँ। भाभी को कंपनी भी मिल जाएगी और मैं किट्टू का ध्यान रखने में उनकी हेल्प भी कर दूँगी। ये सुनकर राजनाथ मलिक काफ़ी खुश हो गए। उन्होंने जानवी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तुम्हारी और युवराज की ये बात ही सबसे अच्छी लगती है कि तुम लोग अपनी गलती मानकर अपने में बदलाव लाने की कोशिश करते हो। तुम भी शिमला जाओ और अपनी भाभी का अच्छे से ध्यान रखना। अगली शाम को जब श्वेता, विक्रांत और किट्टू शिमला निकलने के लिए गाड़ी में बैठने को हुए, तभी जानवी ने अपना लगेज उस गाड़ी में रखवाते हुए एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ श्वेता से कहा, चलो भाभी, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। जानवी को वहाँ देखकर विक्रांत ने हैरानी से कहा, तुम कहाँ जा रही हो? आप लोगों के साथ शिमला। जानवी की बात सुनकर श्वेता और विक्रांत का मुंह बन गया और वो एक नज़र एक दूसरे को देखने लगे। उसी वक्त वहाँ पर राजनाथ मलिक आ गए। उन्होंने श्वेता से कहा, बेटा, मैंने ही जानवी को तुम लोगों के साथ जाने के लिए कहा है, वो किट्टू का ध्यान रखने में तुम्हारी मदद करेगी। वैसे तो तुम लोग 4 दिन बाद वापस आने वाले हो, लेकिन कोशिश करना अगर तुम 3 दिन में वापस आ सको। मैं अपने किट्टू के बिना ज़्यादा दिनों तक रह नहीं पाऊँगा। ये बोलते हुए राजनाथ मलिक ने किट्टू के माथे पर पुच्ची की और फिर उसकी जेब में कुछ रुपए रख दिए। राजनाथ मलिक की बात के बाद विक्रांत और श्वेता जानवी से क्या ही बोलते, वो चुपचाप गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गए। तभी श्वेता ने अपने मन में कहा, इसे ज़रूर रीना ने कुछ सिखा पढ़ा कर भेजा है, मुझे डर है ये वहाँ चलकर मेरे लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। विक्रांत ने श्वेता के चेहरे की उस परेशानी को पढ़ लिया था, तभी उसने प्यार से अपना हाथ श्वेता के हाथ में रखते हुए धीमी आवाज़ में उससे कहा, डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जहाँ एक तरफ विक्रांत और श्वेता मुंबई से शिमला की जर्नी के लिए निकल गए थे, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एक बहुत ही क्राउडेड एरिया के चौल के छोटे से कमरे में एक औरत कुर्सी में रस्सी से बंधी हुई थी। ये कोई और नहीं, वही बुरखे वाली औरत थी जिसने किट्टू के बर्थडे पर उसे बचाने के लिए बॉम्ब में खुद को फेंक दिया था। उसके बाद श्वेता और विक्रांत उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन फिर उसके होश में आने से पहले उसे किसी ने हॉस्पिटल से गायब कर दिया था। इतने दिनों में उस औरत ने रिकवरी तो कर ली थी, लेकिन फिर भी वो अभी बहुत कमज़ोर थी और इस वक्त प्यास से उसका गला सूख रहा था। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है जिसने मुझे इतने दिनों से यहाँ बांध कर रखा है? क्या चाहते हो तुम मुझसे? उसी वक्त वहाँ पर ऑफिस के फॉर्मल कपड़े पहने हुए एक अधेड़ उम्र की औरत आई। उसने करीब 3 इंच की हाई हील्स पहनी हुई थी और अपने बालों का कस कर जूड़ा बनाया हुआ था, लेकिन कमरे में अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने कुर्सी से बंधी हुई औरत से कहा, तुम श्वेता की क्या लगती हो और तुम्हारा जगदीश मलिक से क्या रिश्ता है? आखिर वो औरत कौन थी जो श्वेता और जगदीश दोनों में ही इंटरेस्टेड थी? क्या उसका मलिक परिवार से कोई संबंध था? क्या शिमला की ट्रिप में जान की कोई नई मुसीबत पैदा करने वाली है, या रॉकी के पास ना होने से विक्रांत फिर से श्वेता के करीब आने वाला है? जानने के लिए सुनिए कोई हमदम ना रहा का अगला एपिसोड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। रघुवीर की बात सुनकर दृष्टि शांत हो गई। रघुवीर ठाकुर उसकी वहां पर बधी पट्टी को देखते हुए बोला,
तुम्हारे शरीर से आज इतना खून बहा है उसका हिसाब मैं उस अंश से जरूर लूंगा। उससे कई गुना ज्यादा खून उसका बहेगा। मैं इस चीज को नहीं भूलूंगा कि आज तुमने उसे हमारे पास लाने के लिए पूरा प्रयास किया और तुम सफल भी हो गई। लेकिन ये सही वक्त नहीं था। बस तुम इंतजार करो दृष्टि, मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखें गहरी हो गई। दृष्टि ने कहा, पापा मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मुझे पता है आप मेरी दीदी की मौत अभी तक नहीं भूल पाए हैं। जिस तरह से उसने मेरी दी को मारा था, मैं भी उस अंश को तिल तिल करके मरते हुए देखना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने चश्मे को ठीक किया और बगले के अंदर चली गई। इधर अंश बहुत गुस्से से कार चला रहा था। सोना उसके पास चुपचाप बैठी अंश को देख रही थी। उसने अंश का हाथ जो कि गियर पर था उसके ऊपर अपना हाथ रखा, लेकिन अंश ने उसका हाथ झटक दिया। अंश को ऐसे देखकर सोना ने कुछ भी नहीं कहा और विंडो से बाहर देखते हुए शांत बैठ गई। उसके जहन में अंश और रघुवीर के बीच की बातें घूम रही थी। कुछ देर बाद दोनों फार्म हाउस आ गए। अंश बिना कुछ बोले कार से बाहर निकलकर घर के अंदर चला गया। शिवी और शिवा उसका सोफे पर बैठकर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि शिवा को कुछ वक्त पहले ही पता चला था कि सोना गायब हो गई थी और उसे गायब करने वाला कोई और नहीं बल्कि रघुवीर सिंह ठाकुर, यानी उसका सबसे पुराना दोस्त, या यूं कहें कि दोस्त के नाम पर दुश्मन था। उसे कुछ वक्त पहले पता चला था कि अंश सोना को लेकर वापस आ रहा है, इसलिए वो उससे मिलने आ गया। लेकिन अंश को इतने गुस्से में अकेले आता देख वो परेशान हो गए। कोई कुछ कहता उससे पहले सोना भागते हुए घर के अंदर आई और किसी को ना देखते हुए सीधा अंश के पीछे भागी। कुछ देर बाद दीप और शौर्य भी वहां आ गए। नालंदा को कुछ देर पहले होश आया था और शौर्य उसे घर छोड़कर अंश के पास आ गया। शिवी भाग कर दीप के पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, दीप क्या हुआ था? भाभी कहाँ मिली आपको? भाई ऐसे गुस्से में क्यों है? दीप ने शिवा को देखा जो उसे ही देख रहे थे। इधर अंश कमरे में आया और गुस्से से अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वो अंदर जा पाता उससे पहले ही सोना उसके सामने आते हुए बोली, मिस्टर रायजादा हमें आपसे बात करनी है, क्या अभी आप हमें कुछ नहीं बताएंगे? अंश ने गुस्से से उसे देखा और शर्ट को उतार कर फेंकते हुए चिल्लाया, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो और जाओ यहाँ से, मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ बीवी। उसके अचानक से चिल्लाने से सोना चौंक गई। अंश उसे डरता देख खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, देखो बीवी मेरा दिमाग अभी बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए अच्छा होगा तुम जाओ यहाँ से। सोना ने कहा, लेकिन हमें सब कुछ जाना है, आप हमसे हर बार बातें नहीं छुपा सकते, कौन है वे लोग अंश? सोना के पूछने से कि कौन थे वो लोग, अंश ने गहरी सांस ली और सोना के दोनों कंधों को पकड़ते हुए बोला, ठीक है मैं तुम्हें सब बताऊंगा। सोना उसे देख रही थी। अंश ने उसके चेहरे को अपनी हथेली में भर लिया और बोला, प्लीज बीबी तुम अब जिद मत करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा लेकिन अभी नहीं। सोना ने उसके हाथ को पकड़ा और हाँ में सर हिलाया। अंश आकर बेड पर बैठ गया। वो कुछ सोचने लगा। सोना उसे परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई। वो उसके सामने खड़ी हो गई और उसके माथे पर उभर रहे पसीने को अपनी साड़ी से साफ करते हुए बोली, आई एम सॉरी अंश, ये सब हमारी वजह से हुआ। अगर हमने बाहर जाने की जिद नहीं की होती तो ऐसा नहीं होता। अंश सर उठाकर उसे देखने लगा। सोना के परेशान चेहरे को देखते हुए उसने अपने मन में कहा, अगर तुम जिद नहीं भी करती तो भी ऐसा जरूर होता, वो लोग मुझ तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उसने सोना की कमर में अपने दोनों हाथों को लपेटा और उसे करीब करते हुए उसके पेट पर अपना सर रख दिया। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, पता नहीं मेरी वजह से तुम्हें और क्या देखना होगा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता आज मैं कितना परेशान हूँ, अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी। वो आगे बोल नहीं पाया, उसने गहरी सांस छोड़ी जिससे उसकी गर्म सांसें सोना के पेट पर गुदगुदी कर रही थी। सोना भी उसकी आवाज से समझ गई अंश अभी भी परेशान है। अंश ने अपना सर हिलाया और सर ऊपर करके सोना को देखने लगा। सोना उसे ही देख रही थी, उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उसने सोना को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो कुछ नहीं होगा। सोना ने हाँ में सर हिलाया। अंश ने उसे करीब करते हुए उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया
उसने कहा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इन सबसे जितना दूर रखना चाहता हूँ उतना ही मेरी वजह से तुम प्रॉब्लम में पड़ती जा रही हो। मैं तुम्हारी आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं देख सकता। मैंने कहा था मैं तुम्हें हमेशा महफूज रखूंगा, लेकिन उसने ये कहा और निराशा में अपना सर हिला दिया। सोना अंश को खुद से दूर करके उसके चेहरे को अपने छोटे हाथों में भरते हुए बोली, हम जैसा चाहते हैं जरूरी नहीं वो वैसा ही हो। हम हमेशा आपके साथ हैं चाहे कोई भी सिचुएशन हो, और हमें पता है हमें तब तक कुछ नहीं होगा जब तक आप हमारे साथ और हमारे पास होंगे। सोना की बात सुनकर अंश के होठों पर स्माइल आ गई। वो सोना की आंखों में देखते हुए बोला, आई लव यू सो मच बीबी। ये सुनकर सोना मुस्कुराई। अंश ने उसे कस कर पकड़ लिया। सोना उसकी पीठ पर मारते हुए बोली, मिस्टर रायजादा छोड़िए हमें, हमें सांस नहीं आ रही है। ये सुनकर अंश अपनी पकड़ उसके ऊपर से ढीली करते हुए बोला, आई एम सॉरी। सोना उसकी गोद से उठते हुए बोली, ठीक है हमने आपको माफ किया, शाम हो गई है आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए कॉफी लेकर आते हैं। वो जाने लगी तो अंश ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोना पलट कर उसे अपनी बाहें उठाकर देखने लगी। अंश ने कहा, रहने दो मुझे कुछ काम है, शाम को तुमसे मिलूंगा, हम बाहर चलेंगे, तुम तैयार रहना। सोना ने हाँ में सर हिलाया। दूसरी तरफ सम्राट एक सुनसान जगह पर अपनी कार से टिक कर खड़ा था। अंश के सही सलामत वापस जाने की खबर सुनकर वो बौखलाया हुआ था। वो बार बार अपने हाथ की महंगी घड़ी पर समय देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के आने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद उसका इंतजार पूरा हुआ। उसके सामने काले रंग की बेहद महंगी कार आकर रुकी। सम्राट सीधा खड़ा हो गया। उस कार का गेट खुला और उसमें से एक खूबसूरत लड़की बाहर आई। उसने सर से लेकर पैर तक काले रंग के कपड़े पहने थे। उसकी खूबसूरत आंखों पर पावर का चश्मा था। उसने कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और गुस्से से खुद को घूर रहे सम्राट के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, कहो क्यों बुलाया है तुमने मुझे। सम्राट ने उसे गुस्से से देखा और उसके मुंह पर चिल्लाते हुए बोला, ये क्या किया दृष्टि, तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया, कितना अच्छा मौका था आज उसे और उसकी बीवी को खत्म कर देने का, लेकिन तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया। उसके सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि दृष्टि ही थी। वो बोली, आवाज नीचे सम्राट, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। सम्राट ने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। दृष्टि ने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता बाबा ने आखिर ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने आखिरी मौके पर अपना प्लान बदल दिया, वरना मैंने तो पूरा इंतजाम कर रखा था उसे खत्म करने का, बहुत मुश्किल से तो वो हमारे हाथ लगा था, लेकिन पता नहीं क्यों बाबा ने उसे जाने दिया। रात 8 बजे सोना तैयार होकर अंश का इंतजार कर रही थी। अंश ने कहा था वो लोग आज डिनर के लिए बाहर जाएंगे। उसने काले रंग का फ्रॉक सूट पहना था जिसका दुपट्टा लाल रंग का था। उसने बीच की मांग करके बाल खुले रखे थे और उसकी कलाई में लाल रंग की चूड़ियां थी। वो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। वो अपनी उंगली में दुपट्टे के कोने को लपेटते हुए अंश के आने का इंतजार करते हुए इधर उधर घूम रही थी। उसके चलने के साथ उसके पैरों की पायल शोर कर रही थी। लेकिन अंश पता नहीं कहाँ चला गया था, उसके आने की कोई खबर नहीं थी। इसी तरह लगभग 1 घंटा हो गया। अंश दोपहर के बाद दीप के साथ घर से कहीं चला गया था, जो कि अब तक घर वापस नहीं आया था। सोना को लगा अब अंश नहीं आने वाला है, तो उसने घर पर ही खाना बनाने का सोचा। वो उसी तरह कमरे से बाहर आ गई। उसने देखा पीहू और शिवी अपने कमरे से तैयार होकर उसकी तरफ ही आ रही थी। शिवी ने सोना को देखा और उसे ऊपर से नीचे देखने लगी। वो जासूसी करने के लहजे में बोली, भाभी आप कहीं जा रही हैं। उसकी बात सुनकर पीहू जल्दी से बोली, हाँ वो भी इतना तैयार होकर, भाभी क्या बात है आप अंश भैया के साथ डेट पे जा रही हैं। ये कहते हुए वो अपनी आंखें मटकाने लगी। सोना दोनों के ऐसे सवाल सुनकर हकलाते हुए बोली, नहीं हम डेट पर नहीं जा रहे हैं, हम तो ऐसे ही तैयार हो गए थे, वो बहुत दिनों से ये कपड़े कबर्ड में पड़े थे ना, इसलिए हमने सोचा इसे पहन लें। और वो मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। शिवी और पीहू ने एक दूसरे को देखा और उसकी खिंचाई करने का सोचा। उन दोनों ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर खींचा और उसे अपने बीच बिठा लिया। सोना हैरानी से दोनों को देखने लगी। पीहू ने कहा, भाभी सच सच बताना आप डेट पर ही जा रही हो ना,
सोना ने नहीं में सर हिलाया। शिवी ने कहा, भाभी हमसे क्या शर्माना, आप भाई की पत्नी हैं, आपको हमसे शर्माने की जरूरत नहीं है। सोना ने कहा, नहीं हम नहीं शर्मा। वो कह रही थी कि शिवी ने कहा, भाभी आप ये बताओ भाई और आपके बीच सब कैसा चल रहा है। इस बार पीहू ने कहा, वैसे भाभी आप हमें बुआ कब बना रही हो। उनके ऐसे सवाल सुनकर सोना ने तेज आवाज में कहा, बस करो तुम दोनों, ये क्या बात लेकर बैठी हो, जब वो वक्त आएगा तो हम सबसे पहले तुम दोनों को ही बताएंगे, अभी कोई गुड न्यूज नहीं है। ये कहने के बाद उसे एहसास हुआ उसने क्या कहा, तो उसने शर्म से अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। उसे ऐसे देखकर पीहू और शिवी जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें खुद का मजाक उड़ाते देखकर सोना ने उन्हें पपी फेस बनाकर देखा। पीहू ने कहा, अच्छा ठीक है, आपको हमसे इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। सोना ने हाँ में सर हिलाया। उसने कहा, वैसे तुम दोनों कहाँ जा रही हो इतनी रात को। शिवी ने कहा, भाभी हम हवेली जा रहे हैं, रिहान भाई हमें लेने आ रहे हैं। सोना ने कहा, लेकिन इतनी रात को। शिवी ने कहा, हाँ वो माँ की तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए। नीलिमा के बारे में सुनकर सोना परेशान होते हुए बोली, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। पीहू उसे रोकते हुए बोली, नहीं भाभी आप रुकिए, अंश भाई यहाँ अकेले हो जाएंगे, हम आंटी के पास जा रहे हैं। सोना ने कहा, ठीक है उनका ध्यान रखना। शिवी और पीहू वहां से चली गई और सोना कुछ सोचते हुए उन्हें जाते देखती रही। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रात के 10 बज रहे थे। नालंदा अपने फ्लैट का लॉक खोलकर अंदर आ गई। शौर्य के उसे घर पर छोड़ने के बाद वो उसे बिना पता चले कहीं गई थी। गोली लगने से नालंदा का खून काफी बह चुका था, जिसकी वजह से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और वो काफी थकी हुई सी लग रही थी। वो आकर सोफे पर बैठ गई और सर सोफे पर टिकाकर आज दिन भर जो कुछ भी हुआ उसे सोचने लगी। तभी उसके कान में कुछ आवाज आई, वो एकदम से अलर्ट हो गई। वो सोफे से उठकर दबे पांव कमरे की तरफ बढ़ गई, क्योंकि कमरे से ही उसे कुछ आवाज आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर देखा। वहां पर उसके टेबल के पास कुर्सी पर कोई उसकी तरफ पीठ करके बैठा था। नालंदा उसे देख नहीं पा रही थी। उस इंसान के हाथ में लाइटर था, जिसे वो बार बार जला और बुझा रहा था, जिससे कि उससे एक तरह की आवाज आ रही थी। नालंदा ने अपने बैग से गन निकाली और दबे पांव उस शख्स की तरफ जाने लगी जो कुर्सी पर बैठा था। उसने अपना हाथ उठाया और उसके सर पर उसे मारने को थी कि कुर्सी पर बैठा वो इंसान उसकी तरफ पलट गया। नालंदा ने उसका चेहरा देखा तो उसके हाथ से गन छूट कर नीचे गिर गई। उसने अपने मन में कहा, ये यहाँ क्यों आया है। उसने अपनी लार निगल ली और कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं मिस्टर रायजादा। नालंदा उसे वहां देखकर हैरान हो गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अंश था। नालंदा को समझ नहीं आ रहा था अंश वहां क्या कर रहा था, उसने तो डोर लॉक किया था ना। उसने देखा अंश के हाथ में एक लाइटर था, जिसे वो बार बार जला बुझा रहा था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के नालंदा को देख रहा था। अंश अपने हाथ में रखे सिगरेट का कस लेते हुए कुर्सी से खड़ा हुआ और धीमे कदमों से नालंदा के सामने आकर खड़ा हो गया। वो अपने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए बोला, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ मिस नालंदा ठाकुर, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना। नालंदा ने कुछ नहीं कहा, उसे अंदाजा हो गया था अंश यहाँ क्या कर रहा था, पर उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था वो कमरे में कैसे आया। अंश उसके मन की बात को समझते हुए बोला, मैं इस तरह तुम्हारे घर में चोर के जैसे कैसे घुस आया, तुम यही सोच रही हो ना। नालंदा हैरान हो गई, अंश को कैसे पता वो क्या सोच रही है। अंश अपने चेहरे के भाव को बिना बदले हुए बोला, मैं तो यहाँ तुम्हारा हालचाल जानने आया था, लेकिन देखो मुझे यहाँ आकर क्या मिला। ये कहने के बाद उसने टेबल पर उल्टे पड़े एक फोटो फ्रेम को उठाकर नालंदा के आगे कर दिया। नालंदा उस फोटो को देखकर हैरान हो गई। उसने अपनी लार निगल ली और अंश को देखा। उस फ्रेम में दो लड़कियां थी, उसमें से एक 22 साल की खूबसूरत सी लड़की थी और उसके साथ एक कोई 13 साल की छोटी लड़की थी, जिसने अपनी आंखों पर पावर का चश्मा लगाया हुआ था। अंश उस फोटो में मुस्कुरा रही बड़ी लड़की को बहुत अच्छे से पहचानता था, लेकिन उस छोटी लड़की को वो नहीं पहचान पा रहा था। उसे ऐसे देखकर अंश के चेहरे के भाव अचानक से बदल गए और उसके भाव बहुत कठोर हो गए।
वो नालंदा को घूरते हुए बहुत खतरनाक टोन में बोला, कौन हो तुम? अब तक अंश का सवाल सुनकर और उसके हाथ में उस फोटो फ्रेम को देखकर नालंदा के चेहरे की हैरानी अब चालाकी भरी मुस्कान में बदल गई। उसे समझ आ गया था अब अंश से कोई बात नहीं छुप सकती। वो अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर अंश के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, तो ये लड़की अब भी तुम्हें याद है? मुझे तो लगा था इतने सालों में तुम इसे भूल ही चुके होंगे। उसके इस तरह बदले अंदाज को देखकर अंश की भौहें सिकुड़ गई। उसने उसे आंखें छोटी करके देखा। नालंदा ने उसी तरह कहा, अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है। वो फोटो की तरफ इशारा करते हुए बोली, इस फोटो में ये जो छोटी लड़की देख रहे हो ये मैं हूँ, और इस बड़ी लड़की के बारे में तो तुम बहुत अच्छे से जानते ही हो, है ना? मैं उसकी छोटी बहन हूँ, कोई नालंदा नहीं। वो कह ही रही थी कि अंश उसकी बात पूरी करते हुए बोला, नालंदा नहीं, दृष्टि ठाकुर। नालंदा ने ये सुना और उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने घूर कर अंश को देखा। उसे ऐसे देखकर अंश के होठ किनारे से ऊपर उठ गए। उसने कहा, हाँ, किसी को याद हो या ना हो, लेकिन मुझे सृष्टि का चेहरा बहुत अच्छे से याद है। आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैंने ही तो अपने इन्हीं हाथों से उसकी जान ली थी। और ये बात कि तुम सृष्टि की बहन हो, ये तो तुम्हारे चेहरे पर ही लिखी हुई है। ये कहते हुए अंश ने उसे अपनी एक भौं उठाकर देखा। उसने आज रघुवीर ठाकुर के बंगले में एक फैमिली फोटो देखी थी, जिसमें उसने दृष्टि यानी नालंदा को भी देखा था। तभी से वो नालंदा के बारे में ही सोच रहा था। उसने आगे कहा, मैंने कभी तुम्हारे ऊपर खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हारी अजीब हरकतों की वजह से तुम मेरी नजरों में आई। उस दिन तुम्हें देखकर मेरी आंखों के सामने किसी का चेहरा आ गया था। तुम हूबहू अपनी धोखेबाज बड़ी बहन सृष्टि की तरह दिखाई देती हो, और अब जब तुम उसकी बहन हो तो उसकी कुछ तो क्वालिटी तुम में आएंगी ही ना। मैंने सही कहा ना दृष्टि ठाकुर? ओह माय मिस्टेक, धोखेबाज दृष्टि ठाकुर। ये कहते हुए उसकी आवाज कठोर हो गई। अंश के मुंह से ये सारी बातें सुनकर नालंदा उसे बहुत बुरी तरह से गुस्से में घूर रही थी। अंश ने फोटो फ्रेम को टेबल पर रखा और नालंदा के सामने खड़ा होते हुए अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाला। वो बहुत धीरे से बोला, देखो नालंदा, मैं यहाँ तुमसे कुछ जानने नहीं आया हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता अब तक तुमने क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन 10 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में तुम कुछ भी नहीं जानती। मुझे नहीं पता उन लोगों ने तुम्हें क्या कहानी सुनाई है, और ना मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट है। ये कहने के बाद थोड़ी देर चुप रहा। कुछ पल बाद वो बोला, देखो नालंदा, मेरा दोस्त तुमसे बहुत प्यार करता है, पर तुम, उसने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जो कर रही हो उसे भूल जाओ और चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता मेरे हाथों अब तुम्हारी जान। वो ये कह ही रहा था कि नालंदा की हंसी उसके कानों में पड़ी और वो चुप हो गया। उसके ऐसे हंसने से अंश उसे घूरने लगा। नालंदा अपनी हंसी रोकते हुए बोली, तो अब तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले? अचानक से नालंदा शांत हुई और दांत पीसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे जाने के लिए कहोगे और मैं सब कुछ भुलाकर यहाँ से चली जाऊं? मैं यहाँ से कहीं जाने के लिए नहीं आई हूँ। जिस तरह तुमने मेरी दीदी की जान ले ली, उससे भी बदतर मौत मैं तुम्हें देना चाहती हूँ अंश। मैं तो यहाँ इस मकसद से आई थी कि तुम्हें अपना निशाना बना सकूं, लेकिन उस वक्त मुझे पता चला तुम्हारी पहले ही शादी हो चुकी है, और मुझे तुम्हारे करीब रहने के लिए तुम्हारे उस बेवकूफ दोस्त का सहारा लेना पड़ा। ये कहते हुए उसकी आवाज में नफरत के भाव आ गए। अंश अपनी गहरी आंखों से उसे देखते हुए उसकी सारी बातें सुन रहा था। नालंदा अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोली, मैंने बहुत इंतजार किया है इसके लिए, और मैं मेरे मकसद में इतना आगे बढ़ चुकी हूँ कि अब लौट जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है अंश, आज जो सोना के साथ हुआ ये मैंने पहली बार किया है? नहीं, और वो अपने किए सारे कारनामे अंश को बताने लगे। उस रात सोना को जान से मारने की कोशिश करने से लेकर आज की किडनैपिंग तक उसने सब कुछ उसे बता दिया। नालंदा वो सब अंश को ऐसे बता रही थी जैसे वो सब उसके लिए नॉर्मल सी बात हो। उसके मुंह से सोना को जान से मारने की कोशिश करने वाली बात सुनकर अंश अंदर ही अंदर आग बबूला हो रहा था।
नालंदा अपने गुस्से में सब कुछ बोले जा रही थी। उसे इतना भी होश नहीं था वो क्या क्या बोल रही है। उसने दांत पीसते हुए आगे कहा, तुम मेरे जाल में फंसने के लिए तैयार ही थे, लेकिन ऐन मौके पर बाबा ने सारा प्लान ही बदल दिया। पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। ये कहने के बाद उसने नीचे गिरी गन पर जोर से पैर मारा और वो गन उछलकर उसके हाथ में आ गई। वो गन को लोड करते हुए अंश के ऊपर पॉइंट करके खड़ी हो गई। अंश उसके सामने अपने चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन लिए खड़ा था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। नालंदा उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारा खेल खत्म अंश राय ज्यादा। और वो ट्रिगर दबा पाती उससे पहले अंश ने तेजी दिखाते हुए उसके हाथ से गन ले ली और उसके ऊपर ही पॉइंट कर दी। अंश ने दांत पीसते हुए कहा, बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हें मौका दिया था यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरे हाथों से तुम्हारी भी जान जाए। लेकिन तुमने मेरी बीवी को जान से मारने की कोशिश की और तुमने यहीं पर गलती कर दी। तुमने मेरे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा, तुम्हें भी अपनी बहन की तरह मरना होगा। उसने इतना कहा ही था कि नालंदा के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था अंश क्या कह रहा था, बल्कि वो अंश के हाथ को नीचे करके उसके करीब आते हुए बोली, मुझे पता था ऐसा मौका जरूर आएगा जब तुम्हें मेरे बारे में सारी सच्चाई पता चलेगी और तुम मेरी जान लेने के लिए इंतजार भी नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए वो अंश के एकदम पास आकर खड़ी हो गई। अंश चुपचाप खड़ा होकर उसे देख रहा था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर नालंदा करना क्या चाहती थी, क्योंकि नालंदा उसके एकदम पास खड़ी थी, जिससे अंश उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। नालंदा उसके शर्ट पर बनी सिलवटों को झाड़ते हुए उसके कान के पास झुकी और मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, आई एम प्रेग्नेंट, यू कांट किल मी अंश, यू कांट। ये सुनकर तो अंश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने नालंदा को दूर धक्का दिया और गुस्से में बोला, तुम खुद को बचाने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हो, सच कहा ना मैंने? नालंदा अजीब ढंग से मुस्कुराई और नीचे गिरे अपने बैग से एक लिफाफा निकालकर अंश के आगे करते हुए बोली, मुझे भी ये आज ही पता चला, मैं तो इसे अबॉर्ट करने जा रही थी, लेकिन देखो अब ये बच्चा मेरे बहुत काम आने वाला है। अंश उसके हाथ से लिफाफा छीन कर उसे देखने लगा। वो जैसे जैसे रिपोर्ट को पढ़ रहा था वैसे वैसे उसकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। नालंदा उसे हैरान होते देख मुस्कुराते हुए बोली, अब यकीन हुआ कि मैं सच कह रही हूँ? अंश ने रिपोर्ट को गुस्से से फेंक दिया और बोला, तुम? उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और बोलते बोलते रुक गया। पता नहीं शौर्य को जब नालंदा की असलियत पता चलेगी तब वो कैसे रिएक्ट करेगा, बेचारे का तो दिल ही टूट जाएगा। उसने गुस्से से नालंदा को देखा और कुछ कहने को था कि उसे लिविंग रूम से शौर्य के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसकी आवाज़ सुनकर अंश ने नालंदा को देखा और बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर कूद गया। उसके ऐसा करते ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर शौर्य अंदर आ गया। वो नालंदा को अंधेरे कमरे में अकेले खड़ा देखकर बोला, बेबी तुम अंधेरे में क्या कर रही हो? ये कहते हुए वो उसके पास आया और कमरे की लाइट ऑन कर दी। कमरे में उजाला हो गया। नालंदा ने जल्दी से अपने चेहरे के भाव बदल दिए और शौर्य को देखते हुए बोली, हाँ मैं बस अभी सोने ही वाली थी। शौर्य ने उसे बेड पर बिठाया, तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी रिपोर्ट पर गई। उसने कहा, ये क्या है? क्या होगा आगे? क्या शौर्य को कभी नालंदा की सच्चाई पता चलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शौर्य के हाथ में नालंदा की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। नालंदा ने उसे देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गई। शौर्य उसे देखता उससे पहले नालंदा जोर से चिल्लाई, आह! शौर्य ने नालंदा को देखा, उसने रिपोर्ट को टेबल पर रखा और नालंदा के पास आ गया। वो परेशान होते हुए बोला, क्या हुआ नंदू, तुम ठीक हो? नालंदा अपनी चोट वाली बाजू को पकड़कर दर्द भरी आवाज में बोली, शौर्य ये बहुत दुख रहा है, पता नहीं कैसे, आह! शौर्य ने उसी तरह कहा, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नालंदा ने कहा, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तुम प्लीज लिविंग रूम से मेरी दवाई ला दो। नालंदा की बात सुनकर शौर्य जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद नालंदा जल्दी से उठकर टेबल के पास आई और रिपोर्ट और उस फोटो फ्रेम को बेड के नीचे छुपा दिया। कुछ पल बाद शौर्य नालंदा की दवाई लेकर वापस आया। उसने उसे दवाई खिलाई और उसके पास बैठ गया। उसने बहुत फिक्र के साथ उसके गाल पर हाथ रखा और पूछा,
अब तुम्हें ठीक लग रहा है? नालंदा ने हाँ में सर हिलाया। हवेली। शिवा सम्राट के कमरे में उसके आने का इंतजार कर रहा था। लगभग रात के 10 बजे सम्राट अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसे देखकर शिवा सोफे से खड़ा हुआ और उसके पास आते हुए उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। सम्राट का सर एक तरफ झुक गया। उसने हैरानी से अपने डैड को देखा। शिवा की आंखें इस वक्त गुस्से से जल रही थी। सम्राट ने अपने गाल पर हाथ रखा और उसके मुंह से हैरानी से सिर्फ एक ही शब्द बाहर आया, डैड। सम्राट के मुंह से डैड सुनकर शिवा ने उसका कॉलर पकड़ लिया और उसके मुंह पर चिल्लाते हुए बोले, तुम क्या करना चाहते हो सम्राट? तुमने हमारे दुश्मनों से हाथ मिला लिया, ये जानते हुए कि उसने हमें मारने की कोशिश की थी। तुमने अंश और सोना को उनके साथ मिलकर मारने का प्लान बनाया। आज तो तुमने अपनी सारी हदें ही पार कर दी। मुझे लगा था तुम सिर्फ अपनी जलन के चलते अंश से नफरत करते हो, लेकिन मैं गलत था। तुमने अपने अंदर इतना जहर भर लिया है कि अब तुम्हें सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता। ये कहने के बाद शिवा ने उसे धक्का दिया और दांत पीसते हुए बोला, तुम उस लड़की के प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि उसके जाने के बाद भी तुम उसके परिवार का साथ दे रहे हो। तुम क्या चाहते हो कि हमारा परिवार खत्म हो जाए? बोलो, तुम कब समझोगे वो लड़की तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी? वो लोग अभी भी तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उस दिन अंश नहीं होता तो आज मैं और बाबा जिंदा नहीं होते। वो तुम्हें धोखा दे रही थी सम्राट, तुम कब ये बात? वो ये कह ही रहा था कि सम्राट गुस्से से चिल्लाया, बस कीजिए डैड, मैं उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा। आप अभी भी उस अंश की साइड ले रहे हैं? आपने कभी मेरे बारे में सोचा? नहीं, आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। आपको तब भी सिर्फ अपनी पोजीशन और अपनी पावर की पड़ी थी और आज भी ऐसा ही है। आपको इससे आगे किसी की जिंदगी दिखाई नहीं देती। आपने मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया है। अगर उस दिन आपने उसकी बात सुनी होती तो आज वो मेरे साथ होती, मेरा बच्चा मेरे साथ होता। उस अंश ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं उसे कैसे जिंदा छोड़ दूं डैड? उसने मेरे बच्चे को मार दिया जो इस दुनिया में आया भी नहीं था। क्या उसे दुनिया देखने का कोई हक नहीं था? उसने उसे बेरहमी से मार दिया। ये कहते हुए सम्राट की सांसें फूलने लगी और वो अपने घुटनों पर बैठ गया। सम्राट के कहने से कि उसका बच्चा जो इस दुनिया को देख भी नहीं पाया था, अंश ने उसे मार दिया, शिवा हैरान हो गए। उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द बाहर आया, बच्चा। इतने सालों बाद फिर से अपने बच्चे की बात अपने ही मुंह से कहकर सम्राट की आंखों में अपने बच्चे और अपने प्यार को खोने का दर्द लगाया। वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला, आपने कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की डैड। आपको हर वक्त सिर्फ वो अंश ही सही लगता है और मैं गलत। मैंने जो किया वो सब आपने देख लिया, लेकिन आपने कभी भी उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश नहीं की। आप कभी ये देख नहीं पाए कि मैं ये सब क्यों करता हूँ। अगर आप मेरी जगह पर होते तो क्या करते डैड? अगर मॉम के साथ ऐसा किसी ने किया होता तो आप क्या करते? शिवा के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। ये कहने के बाद वो खुद को संभालते हुए शिवा के सामने आ गया। वो अपनी लाल आंखों से शिवा को घूरते हुए बोला, बताइए डैड, क्या करते आप? क्या आप उसे माफ कर देते जिसने आपकी खुशी आपसे छीन ली हो? सिर्फ 10 मिनट हुए थे मुझे ये पता चले कि मैं डैड बनने वाला हूँ, और मैंने उतनी ही देर में ना जाने कितने सपने सजा लिए थे। मैंने सोचा था मैं अपने बेटे को कभी अपने जैसा नहीं बनाऊंगा, उसे हर चीज दूंगा जिस पर सिर्फ उसका अधिकार होगा। मैं बहुत खुश था डैड, लेकिन अगले ही पल मेरी सारी खुशियाँ, मेरी दुनिया उसने मुझसे छीन ली। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया डैड। मुझे तो उसे आखिरी बार देखने का मौका भी नसीब नहीं हुआ। मैं कैसे अपने बच्चे और अपने प्यार के कातिल को जाने दूँ? मैं नफरत करता हूँ उससे, और उसकी वजह सिर्फ आप हैं। सब आपकी वजह से हुआ है डैड। आप कभी अच्छे पिता नहीं बन पाए। अगर आपने उस वक्त अंश को रोका होता तो आज मेरी सृष्टि मेरे साथ होती और मेरे हाथों में मेरा बच्चा होता। ये कहते हुए उसने अपने कांपते हाथों को शिवा के आगे कर दिया। शिवा ने उसके खाली हाथों को देखा और कुछ भी नहीं कहा। शिवा को लगने लगा कि सम्राट के इस तरह के बिहेवियर के लिए वो खुद जिम्मेदार है। सम्राट ने सही कहा, अगर उस वक्त शिवा ने अंश को रोका होता तो आज बात ही कुछ और होती। अंश और सम्राट के बीच इतनी गहरी दुश्मनी नहीं होती और आज सम्राट अंश के खून का प्यासा नहीं होता। वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाया,
लेकिन उसे नहीं पता था सम्राट पिता बनने वाला है। अगर उन्हें जरा सा भी अंदाजा होता कि सृष्टि के अंदर सम्राट का बच्चा पल रहा है, तो वो कभी अंश को सृष्टि का कातिल बनने ही नहीं देता। शिवा सम्राट के हाथों को अपनी खाली आंखों से देख रहे थे। उसके पास सम्राट को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। तभी दरवाजे से कुछ गिरने की आवाज आई। उस आवाज से शिवा और सम्राट दोनों ही उस तरफ देखने लगे। दोनों ने देखा नीलिमा दरवाजे के पास बेहोश होकर गिर गई थी और शिवी और पीहू उसके पास खड़ी थी। उसे गिरते देखकर पीहू और शिवी उसे संभालने लगी। शिवी और सम्राट दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों जल्दी से भाग कर नीलिमा के पास आ गए। शिवा ने कहा, नीलू। सम्राट ने जल्दी से उसे उठाकर अपने बेड पर लेटाया। उसने टेबल से पानी का ग्लास लिया और पानी की छींटे उसके चेहरे पर मारने लगा। शिवा नीलिमा का हाथ पकड़कर उसके पास बैठ गया। फार्म हाउस। अंश थका हारा घर के अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसकी शर्ट के कुछ बटन खुले थे और वो किसी गहरे ख्यालों में गुम था। वो लिविंग रूम में आया और अपने हाथ में रखे ओवरकोट को सोफे पर फेंक कर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया और गहरी सांस ली। वो बहुत परेशान था। कुछ पल बाद उसने दोनों पैरों को टेबल पर रखा और आंखें बंद करके सर को सोफे से टिका दिया। इस वक्त उसके दिमाग से पूरी तरह से ये बात निकल गई थी कि उसने सोना को डिनर पर जाने के लिए तैयार होकर उसका इंतजार करने के लिए कहा था। अंशराज की सारी बातों के बारे में सोच रहा था। उसे शौर्य की फिक्र होने लगी थी। वो बोला, डैम इट। ये कहते हुए उसने अपने हाथ को जोर से सोफे पर मारा। तभी उसके कानों में तेज म्यूजिक की आवाज आई और वो उस आवाज की तरफ देखने लगा। म्यूजिक की आवाज उनके कमरे से आ रही थी। उसने कहा, इस वक्त वो खड़ा हुआ और कमरे की तरफ बढ़ गया। वो जैसे जैसे कदम बढ़ा रहा था, वैसे वैसे म्यूजिक की आवाज तेज होती जा रही थी। अंश कमरे में आया और पूल की तरफ देखने लगा। उसके सामने सोना बालकनी में एक गाने की धुन पर क्लासिकल डांस कर रही थी। उसने काले रंग का सूट पहना था। दुपट्टा उसके ऊपर नहीं था। उसके खुले बाल सोना के चेहरे को ढके हुए थे। वो डांस करते वक्त एकदम से उसमें खोसी गई थी। म्यूजिक के साथ उसके हाथ और पैर बराबर चल रहे थे। उसके मूव्स इतने कमाल के थे कि अंश अपनी पलकें भी झपकाना भूल गया। उसे तो पता ही नहीं था उसकी बीवी इतनी टैलेंटेड है। सोना को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अंश उसके पीछे था। अंश की नजरों से बेखबर सोना का ध्यान सिर्फ डांस पर ही था। सोना को देखते हुए अंश के कदम खुद ही उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो सोना के ठीक पीछे ही पहुंचा था कि सोना घूमते हुए पीछे पलट गई और अंश के सीने से टकरा गई। वो पीछे हटने को हुई तो अंश ने अपने एक हाथ को सोना की कमर पर लपेटा और उसे खुद से चिपका लिया। सोना को अपने करीब पाकर अंश को अपने दिल में सुकून का एहसास हो रहा था, जिस सुकून को वो कितनी ही देर से पाना चाहता था। म्यूजिक अब भी बज ही रहा था। सोना ने अपने दोनों हाथों को अंश के सीने पर रखा और मुंह खोलकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था, जिससे अंश सिर्फ उसकी नीली आंखें ही देख पा रहा था। उसने दूसरे हाथ से सोना के बालों को चेहरे से हटाकर कान के पीछे किया। अंश सोना के चांद से चेहरे को देखने लगा, जो कि इस वक्त एकदम लाल हो गया था। अब उसकी आंखें बंद थी। उसे ऐसे देखकर अंश सब कुछ भूल गया। उसने अपनी पकड़ उसकी कमर पर कस दी और उसे अपने करीब कर लिया। वो सोना के चेहरे को देखते हुए उसके गाल को सहलाने लगा। उसे देखते हुए वो ये भी भूल गया कि अभी अभी वो किसी बात से परेशान था। वो झुकते हुए अपने होठों को सोना के होठों से जोड़ने ही वाला था कि सोना को अपने चेहरे पर अंश की गर्म सांसें महसूस हुई और उसने झट से आंखें खोलकर अंश को खुद से दूर धक्का दे दिया। अंश इसके लिए तैयार नहीं था। वो उसकी इस हरकत से हैरान हो गया। सोना ने उसे घूर कर देखा। वो उसी तरह उसके बगल से होकर कमरे में जाने लगी तो अंश ने उसे रोकने के लिए उसकी कमर पर अपने हाथ लपेट लिए और सोना को अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त सोना की पीठ अंश के सीने को छू रही थी। अंश की इस हरकत से सोना की सांसें, जो पहले से ही तेज थी, वो और तेज हो गई। अंश ने सोना के बालों को उंगलियों में लेकर उसके कंधे पर डालते हुए उसके गले पर अपने गर्म होंठ रख दिए। सोना एकदम से सिहर उठी। अंश को इस वक्त सोना की जरूरत महसूस हो रही थी। वो उसके गले और खुले पीठ पर चूमने लगा। सोना अपनी आंखें बंद किए उन एहसासों में खो ही रही थी कि अंश उसके कान को अपने होठों से दबाते हुए धीरे से बोला, आई नीड यू बीबी। ये सुनकर सोना की सांसें एकदम से भारी हो गई
उसने झट से अपनी आंखें खोली और अंश के हाथ से छूट कर जाने लगी, तो अंश ने उसकी कलाई को पकड़ लिया। सोना उसकी पकड़ से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर रायजादा हमें जाने दीजिए, हमें इस वक्त आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों नाराज है सोना अंश से? क्या होगा आगे, क्या करेगी नालंदा? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड फाइव सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंश सोना को अपनी भौहें सिकोड़ कर देख रहा था। अब उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसे बात नहीं करनी? तभी उसे याद आया उसने सोना को डिनर पर चलने के लिए कहा था और इस वक्त आधी रात हो रही थी। अंश सोना को अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, आई एम सॉरी, काम कुछ ज्यादा ही बड़ा था इसलिए आने में देर। वो ये कह ही रहा था कि सोना बीच में बोली, हाँ तो आप ये हमें क्यों बता रही हैं? हम आपसे कुछ नहीं कह रहे। ये कहते हुए उसने अपना हाथ अंश के हाथ से छुड़ाया और कमरे में आ गई। अंश उसे घूरने लगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई अंश की बात बीच में काटने की। अंश ने म्यूजिक को बंद किया और गुस्से से उसके पीछे आ गया। सोना अपने दुपट्टे को बेड से उठाकर अपने कंधे पर डालने वाली थी कि अंश ने उसे पकड़कर खींच लिया। अंश थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, तुम कभी मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुनती बीवी? हमेशा अपने नखरे ही दिखाने हैं तुम्हें। उसके इस तरह कहने से सोना ने धीरे से कहा, हमें छोड़िए, हम गंदे हो गए, हमें नहाना है। उसकी बात सुनकर खुद को कंट्रोल करने के लिए अंश ने अपने होठों को दबा लिया और अपना सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं भी गंदा हो गया हूँ, चलो साथ में नहाते हैं। और उसने सोना को अपनी बाहों में उठाया और पूल साइड में आ गया। सोना हैरानी से उसे देखने लगी। अंश ने लाकर उसे पूल के ठंडे पानी पर फेंक दिया। सोना पूल से अपना मुंह बाहर निकाल कर सांस लेने की कोशिश करने लगी। उसने कहा, आह, बचाओ हमें। अंश जो अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसे देख रहा था, उसने अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी और पूल में कूद गया। उसने डूब रही सोना को कमर से पकड़ा और खुद से चिपका लिया। अंश ने उसे कमर से टाइटली पकड़ रखा था। सोना के कपड़े अब तक भीग कर उसके बदन से चिपक गए थे और वो अंश की शर्टलेस चेस्ट से लिपट कर तेज तेज सांसें ले रही थी। उसके पैर अंश की कमर के चारों तरफ लिपटे हुए थे। उसने उसी तरह कहा, हमें बाहर निकालिए, हमें डर लग रहा है। अंश ने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन सोना ने बदले में उसे और कसकर पकड़ लिया। अंश ने कहा, बीवी कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ये सुनकर सोना नहीं में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, हम डूब जाएंगे। अंश ने उसी तरह कहा, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सोना उसे देखने लगी। अंश ने उसके पैरों को अपनी कमर से हटाया और उसका हाथ छोड़ते हुए उससे दूर हो गया। पानी अंश के कंधे तक ही था और सोना के पैर पानी के नीचे की जमीन को छू रहे थे और पानी उसकी नाक से थोड़ा सा ही नीचे था, जिससे वो आसानी से सांस ले पा रही थी। वो हाथ हिलाते हुए अपनी बड़ी आंखों से अंश को देख रही थी, जो उसे ही देख रहा था। वो कुछ देर इसी तरह रही, फिर आकर उसके सीने से लग गई। अंश ने भी उसे कस कर पकड़ लिया। उसने कहा, देखा, यहां डरने की कोई बात नहीं है। सोना ने बदले में उसे कस कर पकड़ लिया। अंश ने उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को देखने लगा, जो कि घबराहट से लाल हो गया था। उसकी ब्लैक ड्रेस उसके बदन से चिपक गई थी। उसने सोना के चेहरे पर चिपके हुए बालों को हटाया और उसकी नजर सोना के होठों पर ठहर गई, जिस पर पानी की बूंदें चमक रही थी। उसने उसे फिर से अपने करीब कर लिया और उसके होठों को चूम लिया। सोना ने कसकर अपनी आंखें बंद की और अंश के गले में हाथ लपेटकर उसके किस में उसका साथ देने लगी। वे दोनों बहुत देर तक उसी तरह एक दूसरे को चूमते हुए एक दूसरे को फील करते रहे। अब तक दोनों के तन बदन में आग लगी हुई थी, जिसे पूल का ठंडा पानी भी बुझा नहीं पा रहा था। अंश सोना के गाल को हथेली में भरकर बेतहाशा उसे चूम रहा था और सोना अपना डर भूलकर अंश के प्यार में खोती जा रही थी। कुछ देर बाद अंश सोना को पूल से बाहर लेकर कमरे में आया। उसने उसे बेड पर सॉफ्टली लिटाया और लाइट ऑफ की। कुछ ही पल बाद दोनों के गीले कपड़े बेड के नीचे पड़े थे और कमरे में सोना की मीठी सी सिसकियां गूंज रही थी। अगले दिन हवेली। नीलिमा बेड पर बेसुध सी बैठी थी,
वो अब तक सम्राट के कमरे में ही थी। उसकी आंखें खुली तो थी लेकिन उनमें कोई इमोशन दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें अब भी शिवा और सम्राट की बातें अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मुझे सिर्फ 10 मिनट हुए थे ये पता चले हुए कि मैं डैड बनने वाला हूँ। इसके साथ ही सम्राट की कही हर एक बात उसे याद आने लगी। उसे राघव की बातें जो उसने हॉस्पिटल में कही थी वो भी याद आई। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हारा बेटा कौन है। तुम्हारा बेटा तुम्हारी गलती का नतीजा है शिवा। तुम्हारा गंदा खून आज मेरे बेटे की मौत की वजह है। ये सब याद आते ही उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के कोने से आंसू निकलकर उसके गाल को भिगोने लगे। नीलिमा को सब कुछ याद करते हुए अपने ही फैसले पर पछतावा हो रहा था। उसने क्यों अंश को अपनाया था? अगर उसे पता होता कि अंश उसके अपनों की खुशियों को इस तरह उजाड़ देगा तो वो उसे कभी नहीं अपनाती। लेकिन उसने अंश को इस तरह तो नहीं बनाया था। उसने अंश को सही परवरिश दी थी। जब अंश को उसकी ज़रूरत थी तब वो हर पल उसके साथ थी, लेकिन अंश ने उसके ही बच्चों की खुशियाँ छीन ली। उसे आज तक समझ नहीं आया अंश ऐसा कब बन गया। उसने तो अंश को भी उतना ही प्यार दिया था जितना उसने अपने खुद के बच्चों को दिया था। क्या कमी रह गई थी उसके प्यार में? वो अपनी सोच से खुद ही लड़ रही थी। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। वो रो ही रही थी कि कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। उसने देखा वो सम्राट है। सम्राट उसके पास आते हुए बोला, मॉम आप ठीक है? पर नीलिमा ने उसकी बात नहीं सुनी और वो सम्राट को एकटक देखने लगी। सम्राट उसके पास आकर बैठ गया और उसने नीलिमा के आंसू साफ किए और उसे अपने सीने से लगा लिया। नीलिमा उसके सीने से लगकर एक बार फिर से रोने लगी। सम्राट ने उन्हें शांत कराने की कोशिश नहीं की और उन्हें बस रोने दिया। नीलिमा को ऐसे देखकर सम्राट के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। तभी किसी ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। सम्राट के चेहरे के भाव बदल गए। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर शिवी और पीहू खाने की प्लेट लेकर खड़ी थी। शिवी ने थोड़ा डरते हुए कहा, सम्राट भाई माँ के लिए नाश्ता ले। वो कह ही रही थी कि सम्राट ने उसे अंदर आने के लिए कहा। शिवी अंदर आ गई लेकिन पीहू उसी जगह पर खड़ी थी। उसे याद था कुछ दिनों पहले सम्राट ने उससे क्या कहा था जब वो गलती से उस दिन उसके कमरे में आई थी, इसलिए वो वहीं खड़ी रही। नीलिमा सीधी बैठ गई। शिवी उसके पास बैठते हुए बहुत प्यार से बोली, माँ आप कुछ खा लीजिए, आप बहुत कमज़ोर हो गई है। नीलिमा ने नहीं में सर हिलाया। शिवी ने सम्राट को देखा। सम्राट ने नीलिमा की आंखों से आंसू साफ किए और खाने की ट्रे शिवी के हाथ से लेते हुए बोला, शिवी ठीक कह रही है मॉम, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज़ कुछ खा लीजिए। नीलिमा ने सम्राट को देखा। सम्राट ने खाने का निवाला नीलिमा के आगे किया तो नीलिमा ने उसे खा लिया। तभी सम्राट का फ़ोन बजने लगा। उसने खाने को शिवी को पकड़ाया और फ़ोन को देखते हुए बोला, मॉम ज़रूरी कॉल है, और वो फ़ोन पिक करते हुए बाहर जाने लगा। लेकिन जाते हुए उसके कदम दरवाजे पर ही रुक गए क्योंकि सम्राट के सामने पीहू जो खड़ी थी। सम्राट ने पीहू को दरवाजे पर ऐसे खड़ा देखा तो वो उसे अपनी एक भौं उठाकर देखने लगा। पीहू ने नर्वस होते हुए कहा, वो मैं शिवी। लेकिन सम्राट ने उसकी बात नहीं सुनी और वो उसके बगल से होकर कमरे से बाहर चला गया। पीहू पलट कर उसे जाते हुए देखने लगे। कल रात जो उसे सम्राट के बारे में पता चला था उसके बाद वो समझ गई थी कि उस दिन जो स्केच उसने देखा था वो उसी लड़की का था जिससे सम्राट प्यार करता था। उसे सम्राट के बारे में ये नहीं पता था कि उसने अब तक अंश और सोना के साथ क्या क्या किया है, इसलिए वो उसके बारे में ना चाहते हुए भी सोचने लगी थी। सम्राट कॉरिडोर में खड़ा होकर बात करने लगा और पीहू उसकी पीठ को देख रही थी। सम्राट ने कहा, जो भी है उसे कुछ वक्त के लिए रोक दो। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ये कहने के बाद उसने फोन रखा और कमरे में वापस आने के लिए मुड़ा तो उसकी नज़र फिर से पीहू पर पड़ी जो अब भी उसी जगह पर खड़ी उसे एकटक देख रही थी। सम्राट ने उसे अजीब नजरों से देखा जैसे वो कोई पागल को देख रहा हो। वो उसके पास आकर खड़ा हो गया। पीहू अब भी उसे बिना बल के झपकाए देख रही थी। सम्राट ने कहा, तुम रास्ते में क्यों खड़ी हो, हटो सामने से। उसकी आवाज सुनकर पीहू को होश आया।
उसने देखा सम्राट उसके कितने पास खड़ा है। वो हड़बड़ा कर पीछे हट गई, लेकिन उसका पैर डोरमेट में फंसा और वो गिरने को थी कि सम्राट ने उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। उसके इस तरह खींचने से पीहू उसके सीने से जाकर लगी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और सम्राट उसके घबराए चेहरे को देखने लगा। पीहू की हाइट अच्छी खासी थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा सम्राट के चेहरे के बहुत ही पास था। सम्राट को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और वो बिना पलके झपकाए उसे देखने लगा। तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। सम्राट का ध्यान एकदम से उस आवाज से टूटा। उसने पीहू के पीछे देखा, जहां शिवी और नीलिमा हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे और शिवी के हाथ से खाने की प्लेट छूटकर नीचे गिर गई थी। सम्राट ने जल्दी से पीहू को छोड़ा और दो कदम पीछे हट गया। सम्राट ने हकलाते हुए कहा, वो मॉम, मैं अभी आता हूँ, और वो पीहू को देखे बिना वहां से चला गया। पीहू अपनी तेज हो चुकी धड़कन को संभालते हुए मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, लेकिन नीलिमा और शिवी के ऐसे देखने से वो भी वहां से भाग गई। शिवी ने कहा, मैं उसे साफ करवाती हूँ। उसने मेट को आवाज दी तो वो जल्दी से अंदर आकर जमीन पर गिरे खाने को साफ करने लगी। शिवी ने नीलिमा से कहा, माँ अब आप आराम करो, मैं चलती हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे आवाज देना, मैं बाहर ही हूँ। नीलिमा ने हाँ में सर हिलाया। शिवी अपने कमरे में आई। उसने देखा पीहू बेड पर खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट में ढक कर लेटी हुई है। वो उसके पास आई और ब्लैंकेट को उसके सर के ऊपर से खींचते हुए बोली, पीहू मुझे तुझसे बात करनी है, और उसने ब्लैंकेट को खींचकर उससे अलग कर दिया। उसने देखा पीहू आंखें बंद करके अपने नाखून चबा रही थी। शिवी उसे ऐसे देख अपने दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए बोली, वो सब क्या था, तू और सम्राट भाई? वो कह ही रही थी कि पीहू उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, मुझे भी नहीं पता यार वो क्या था, लेकिन जो भी था बहुत ही अजीब था। शिवी ने आंखें छोटी करके उसे देखा तो पीहू को होश आया वो क्या कह रही थी। उसने कहा, मेरा मतलब है मैं गिरने को थी तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? शिवी उसके सर पर मारते हुए बोली, पता नहीं तेरा ध्यान कहाँ रहता है, जब देखो तब गिरती पड़ती रहती हो। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड वाइफ सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगले दिन सोना आज देर तक सोती ही रही, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो आज फिर से ये सुबह उसके लिए बहुत खास बन गई, क्योंकि आज फिर से अंश उसकी बाहों में सुकून से सो रहा था। पिछली रात को इस राक्षस ने फिर से उसे परेशान किया। उसने उसे मुंह बनाकर देखा, फिर अपनी ही हरकत पर मुस्कुराई। उस पल को याद करते हुए उसे लग रहा था उसके पेट में तितलियां उड़ रही हैं। उसने अंश के चेहरे को देखा जो उसके सीने में अपना चेहरा छुपाकर बहुत आराम से सो रहा था। सोना उसके बाल को बहुत प्यार से सहलाने लगी। अंश इस वक्त गहरी नींद में था, लेकिन वो हर रोज की तरह आज भी सोना की कमर को अपने हाथों से जकड़ा हुआ था। कुछ देर बाद सोना को कुछ याद आया। उसने अंश के हाथ को अपने ऊपर से धीरे से हटाया और खुद को ब्लैंकेट में लपेट कर बेड से उठ गई। उसे आज फिर से तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसके राक्षस पति ने उसे रात में तब तक परेशान किया था जब तक सोना थक कर उसकी बाहों में अपने होश खोना बैठी थी। उसने अंश को देखा जो सिर्फ पैंट पहने अपने पेट के बल सो रहा था। सोना कबर्ड के पास गई और उसे खोलकर वहां से अंश की शर्ट निकाल ली। उसने जल्दी से उसे पहन लिया और मुस्कुराते हुए बाथरूम में चली गई। लगभग दो घंटे बाद अंश नींद से जागा। सोना उसके पास नहीं थी। वो उठकर बैठ गया। उसने टेबल की दराज से सिगरेट निकालकर अपने होठों के बीच दबा लिया और लाइटर ढूंढने लगा। उसे याद आया कल रात उसने लाइटर पूल साइड में छोड़ दिया था। वो उठकर उसी जगह पर आकर खड़ा हो गया जहां कल रात उसने ना जाने कितनी ही सिगरेट जलाई थी। सोना के सो जाने के बाद उसे रात में बहुत मुश्किल से नींद आई थी, क्योंकि वो किसी बात से परेशान था, इसलिए उसने पूरी रात सिगरेट की कस भरते हुए बिताई थी। कुछ देर बाद उसने सिगरेट को साइड में फेंका और फ्रेश होने चला गया। दूसरी तरफ नालंदा के फ्लैट पर नालंदा नहा कर बाहर आई और मिरर के सामने खड़ी हो गई। उसने देखा उसकी चोट पर बंधी पट्टी गीली हो चुकी है।
उसने उसे खींच कर निकाला और चोट को देखने लगी। वो दिखने में बहुत डरावना था, लेकिन नालंदा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर वहीं पर बैठ गई। उसने कॉटन से उसे साफ करना चाहा तो उसके मुंह से आ निकल गई, पर उसने अपने दर्द को बर्दाश्त कर लिया और चोट को साफ करने लगी। वो ये अभी कर ही रही थी कि शौर्य उसके लिए गर्म दूध का ग्लास लेकर आया। उसने नालंदा को अपनी चोट के साथ कुछ करते देखा तो उसने ग्लास टेबल पर रखा और उसके पास आते हुए बोला, बेबी तुम ये क्या कर रही हो, दिखाओ मुझे। ये कहते हुए उसने नालंदा की बाजू को पकड़कर उसकी चोट देखा। उसने कहा, तुमने इसे गीला क्यों होने दिया, देखो ये कितना अजीब लग रहा है। नालंदा उसकी पकड़ से अपनी बाजू छुड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ शौर्य, ये बस छोटी सी चोट है, मैं ठीक हूँ। उसे इतना ब्रेव बनते देख शौर्य उसे आंखें दिखाते हुए बोला, शट अप नंदू, मैं कर रहा हूँ ना। नालंदा ने फिर कुछ नहीं कहा। शौर्य उसके पास घुटनों पर बैठ गया और उसके चोट पर धीरे से दवाई लगाते हुए पट्टी बांधने लगा। नालंदा उसे ये सब करते हुए बहुत ध्यान से देख रही थी। शौर्य दिखने में काफ़ी हैंडसम था, उसे देखकर किसी का भी दिल धड़कने लग जाए। नालंदा जानती थी अब तक अंश ने उसके बारे में शौर्य से कुछ नहीं कहा होगा, क्योंकि कल रात से शौर्य उसके पास ही था। पता नहीं क्या होगा जब शौर्य को उसकी सच्चाई पता चलेगी। शौर्य ने उसकी पट्टी की और बोला, इट्स डन। उसने नालंदा को देखा जो उसे ही देखकर कुछ सोच रही थी। वो अभी नहाई थी इसलिए उससे हल्की खुशबू आ रही थी, जो कि शौर्य को हमेशा से बहुत पसंद थी। उसने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे किया और मुस्कुराते हुए बोला, बेबी अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रही तो शर्म से मेरी जान ही निकल जाएगी। नालंदा ने ये सुना तो वो झेप गई। उसने कहा, नहीं मैं तुम्हें क्यों देखूंगी, तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो। ये कहते हुए वो अपनी नजरें चुराने लगे। शौर्य ने उसे देखा तो कहा, तो फिर तुम्हारे गाल लाल क्यों हो रहे हैं। नालंदा ने उसे धक्का दिया और वहां से उठकर जाते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जाओ अब मुझे आराम करना है, तुम्हारी आज एक बहुत बड़ी मीटिंग है ना। तो शौर्य अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि हम शाम को मुंबई जा रहे हैं, अगले हफ्ते फैशन शो है वहाँ। नालंदा ने कहा, हाँ तो तुम्हें पैकिंग भी तो करनी होगी, जाओ। शौर्य अपना सर हिलाते हुए बोला, बेबी तुम समझी नहीं, मैं अकेला तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, तुम भी मेरे साथ मुंबई आ रही हो। नालंदा हैरान होते हुए बोली, क्या लेकिन मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम जाओ तुम्हारा काम ज़्यादा ज़रूरी है। शौर्य उसकी बात सुनकर उसे समझाते हुए बोला, हाँ लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं, तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। ये कहते हुए उसने नालंदा के माथे को चूम लिया। नालंदा ने अपनी आंखें बंद कर ली। शौर्य ने उसकी बंद आंखों को देखा तो मुस्कुराया, ये लड़की कितनी क्यूट थी। उसने उसे अपने करीब खींच लिया, जिससे नालंदा हैरानी से उसे देखने लगी। शौर्य ने उसकी खूबसूरत आंखें देखी तो उससे रहा नहीं गया, उसने नालंदा के चेहरे को पकड़ा और उसके होठों को चूम लिया। नालंदा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो इस वक्त शौर्य के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे धक्का देने लगी, लेकिन शौर्य ने उसे नहीं छोड़ा। हर बीतते पल के साथ शौर्य की किस इंटेंस होती जा रही थी। नालंदा उसे दूर जाने के लिए अपने कदमों को पीछे लेने लगी, लेकिन शौर्य ने उसे नहीं छोड़ा। पीछे जाते हुए नालंदा टेबल से टकरा गई। शौर्य ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे उठाकर टेबल पर बिठा दिया। शौर्य उसके पैरों के बीच खड़ा हो गया। नालंदा को काफी अनकंफर्टेबल फील होने लगा। उसने अपने दोनों हाथों को शौर्य के सीने पर रखा और उसे धक्का देते हुए बोली, शौर्य ये तुम क्या। लेकिन शौर्य ने उसके हाथों को पकड़ लिया और तेज तेज सांसें लेते हुए बोला, बेबी प्लीज मैं खुद को तुम्हारे करीब आने से नहीं रोक सकता, प्लीज तुम भी मत रोको ना। ये कहने के बाद वो नालंदा का जवाब सुने बिना उसे फिर से चूमने लगा। शौर्य अनजाने में ही नालंदा के होठों को काटने लगा। नालंदा को लग रहा था जैसे ये आज उसकी जान लेकर ही मानेगा, क्योंकि उसकी सांसें उसके गले में घुटने लगी थी।
कुछ देर बाद शौर्य के मनमाने की वजह से नालंदा को अपने पेट में अजीब सा एहसास हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत से शौर्य को धक्का दिया और टेबल से उतरकर वॉशरूम में भाग गई। शौर्य को अचानक से कुछ भी समझ नहीं आया। वो उसके पीछे आ गया और दरवाजे पर खड़ा होकर हैरानी से उसे देखने लगा। नालंदा सिंह के सामने खड़े होकर वॉमिट कर रही थी। शौर्य ने कहा, इसे क्या हुआ? वो जल्दी से उसके पास आ गया। वो उसकी पीठ को सहलाते हुए उससे बोला, आर यू ओके? नालंदा ने हाँ में सर हिलाया। शौर्य ने उसके चेहरे को पानी से साफ किया और उसे बाहर ले आया। नालंदा को अपना सर घूमता हुआ महसूस हो रहा था। उसने बहुत मुश्किल से कहा, शौर्य मुझे आराम करना है, प्लीज। शौर्य ने हाँ में सर हिलाया और उसका मुंह साफ करके उसे बेड पर लेटाते हुए कहा, ठीक है, मैं दीप को बुलाता हूँ, वो तुम्हें एग्जामिन करेगा। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और दीप का नंबर डायल करने को था कि नालंदा उसे रोकते हुए बोली, नो शौर्य, उसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है। नालंदा को डर था अगर दीप ने उसे एग्जामिन किया तो उसे उसकी प्रेगनेंसी वाली बात पता चल जाएगी, जो कि वो कभी भी शौर्य को नहीं बताना चाहती थी। और ये जो हो रहा था डॉक्टर ने उसे बताया था, प्रेगनेंसी में ये होना आम बात है। शौर्य नालंदा के पास बैठ गया और उसके सर को सहलाते हुए बोला, ठीक है, तुम आराम करो। नालंदा ने अपनी आंखें बंद कर ली और शौर्य उसके चेहरे को देखने लगा। दो दिन बाद शावर लेने के बाद टॉवल लपेट कर मिरर के सामने खड़ा होकर अपने बाल सुखा रहा था, तभी उसे पीछे से पायल की आवाज आई। उसने मिरर में देखा, सोना दरवाजे पर अपने हाथ में कॉफी का मग लेकर खड़ी है। उसने लाइट पर्पल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल बन में बंधे हुए थे। उसकी आंखें आज भी हर रोज की तरह अंश के ऊपर टिकी हुई थी। अंश ने उसे देखा और परेशान करते हुए बोला, बीवी, क्या तुम मुझे वहीं से जिंदा निकलने का प्लान बना रही हो? सोना हड़बड़ा गई। वो अपनी नजरें चुराते हुए हकलाकर बोली, अब नहीं नहीं, हम तो आपके लिए कॉफी लाए हैं, अंश बोला। ओ, मुझे लगा तुम कल रात के जैसे फिर से मुझे जिंदा ही खाने वाली हो। ये सुनकर सोना उसे घूरने लगी। अंश ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और अपने बाल सुखाते हुए बोला, बीवी, मेरे लिए कपड़े निकाल दो, मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। सोना ने उसे घूरते हुए कॉफी पक को टेबल पर रखा और कबर्ड खोलकर अंश के कपड़े देखने लगी। वो उसमें से नेवी ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट निकालकर अंश के पास आ गई। अंश मुस्कुराया और अपनी प्यारी बीवी को फिर से परेशान करने का सोचा। वो शर्ट पहनते हुए बोला, तुम्हें पता है मेरी आज जिससे मीटिंग है वो मेरी सीनियर थी कॉलेज में। सोना ने उसकी शर्ट के बटन लगाते हुए हाँ में सर हिलाया। अंश ने उसका ऐसा रिएक्शन देखा तो कहा, और तुम्हें पता है उसने एक बार मुझे प्रपोज भी किया था जब वो कॉलेज से जाने वाली थी। ये सुनकर सोना उसे घूरने लगी। अंश ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो हाल में ही इंडिया आई है और AR एम्पायर के साथ कोलैब करना चाहती है। सोना उसका कॉलर ठीक करते हुए बोली, हाँ तो ये तो अच्छी बात है ना, आपकी कंपनी को इससे फायदा होगा। उसकी बात सुनकर अंश ने हैरानी से कहा, तो क्या तुम्हें इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि मैं उस लड़की के साथ काम करने जा रहा हूँ जिसने मुझे प्रपोज किया? सोना अपना कंधा उठाते हुए बोली, नहीं, हमें भला क्यों परेशानी होगी, आप उसके साथ डेट पर थोड़ी जा रहे हैं। अंश ने मुंह बनाते हुए कहा, दैट्स नॉट फेयर बेबी, तुम्हें उसे जेलसी होनी चाहिए, क्या पता वो अब भी मुझे पसंद करती हो, अगर उसने मुझे डेट पर चलने के लिए पूछ लिया तो मैं उसे मना नहीं। वो कह ही रहा था कि सोना ने उसे अब खा जाने वाली नजरों से देखा। ये इंसान कुछ भी बोलता है। वो उसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, अपने शब्दों पर काबू रखिए, कहीं ऐसा ना हो उसके साथ डेट पर जाने से पहले हम आपका खून कर दें। भूलिए मत, हम माफिया किंग की बीवी हैं, हमारे लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी बात सुनकर अंश के होठों पर मुस्कान आ गई। अंश को अपनी बीवी को चिढ़ाने में बहुत मजा आता था और उसके इतने हक से कहना कि वो उसकी बीवी है उसे बहुत अच्छा लगता था। वो उसकी कमर पर अपने हाथ लपेटते हुए बोला,
रियली? क्या तुम्हें लगता है उसके बाद मेरे लोग तुम्हें जिंदा जाने देंगे अगर तुमने उनके लीडर को मार दिया तो? सोना ने उसे देखा और उसी तरह कहा, तो क्या हुआ, हम माफिया क्वीन बन जाएंगे, फिर वही होगा जो हम चाहेंगे। अंश उसकी बात पर हंसते से खुद को रोक नहीं पाया। सोना ने उसे हंसते देखा तो उसे बस देखती ही रह गई। अंश बहुत कम ही इस तरह खुलकर हंसता था, और जब वो ऐसे हंसता था तो कोई कह नहीं सकता था कि उसका एक दूसरा रूप भी है। अंश ने उसे खोए हुए खुद को देखते पाया तो वो चुप हो गया। वो उसकी आंखों में देखने लगा। अंश उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा, तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंश और सोना उस तरफ देखने लगे। उनके सामने छाया खड़ी थी। छाया ने कहा, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू सर, पर आपसे मिलने आपकी मॉम आई है। क्या होगा आगे, क्यों आई है नीलिमा अंश से मिलने? जानने के लिए सुनते रहिए फोर्स्ड बाई सिर्फ पॉकेट एफएम पर।